जय करवा मैया, सभी सुहागन जिस व्रत के फल से पति को लंबी आयु प्रदान करने का प्रयास करती हैं, आज मैं उसी करवा चौथ व्रत की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। तो आइए ध्यान से सुने। हम करवा चौथ की बहना तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, कैसे हो लंबी उम्र पति की ये बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, क्यों देख के चंदा हर नारी के मन मुस्काते हैं, भक्तों मन मुस्काते हैं, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। बहन ने व्रत खोल दिया और फिर उसने अपनी भाभियों से भी व्रत खोलने को कहा। तब उन्होंने क्या कहा, आइए आगे सुनाती हूँ इस कथा के माध्यम से। ये
का नाम लिए मृत पति उठ जाते हैं। देखो पति उठ जाते हैं, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। ये करवा चौथ मैया सब करना पूरण काज, हम सब नारी की माँ रखना सिंदूर की लाज। भक्त जनों, करवा चौथ व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत को करने से नारी को शक्ति और पति को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय करवा मैया। करवा चौथ का दिन हर नारी का होता बहुत है खास, हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर का हो वास। जब तक चंद्र चंदा पति को पाती पास, उनके हाथों से जल पीकर व्रत पूर्ण वो करती। पूजन भक्ति देख के मैया कष्ट सभी के हरती, अपने सुहाग की खातिर जो भी व्रत रखती है नारी। यम की जिद भी उनसे भक्त सदा सदा है हारी, नारी शक्ति से पति के दिन शुभ हो जाते हैं, भक्तों शुभ हो जाते हैं, कैसे इस व्रत को करने से उत्तम फल पाते हैं, ये कथा सुनाते हैं। ये करवा चौथ मैया सब करना पूरण काज, हम सब नारी की माँ रखना सिंदूर की लाज। तिथि चतुर्थी को बतलां ए पावन त्योहार देश में, करवा चौथ मनाई जाए पति की लंबी उम्र के लिए, सभी सुहागन व्रत रखाए करे चौथ माता की पूजा, करके निर्जला व्रत बताए सभी सुहागन चौथ माता को, भक्ति भाव से शीश नवाए सभी सुहागिन चौथ मात को। सभी सुहागिन चौथ मात की भक्ति भाव से शीश नवाए करे कामना सभी नारियां, पति पर कोई संकट ना आए बड़ा कठिन व्रत करवा चौथ का, सुहागने उपवास रखा सूर्य उदय से पहले से वो, चांद निकलने तक समझा दिन भर भूखी रहे पत्नियां, पानी तक भी पीती ना तब तक व्रत रखती है नारियां, जब तक चांद नहीं दिखलाए अर्घ चंद्रमा को दे करके, पहले पति को भोग लगा फिर अपना उपवास खोलती, लेती अपनी भूख मिटा करवा चौथ माता की पूजा, परंपरा प्राचीन बताए करवा चौथ माता की पूजा। रखती थी उपवास बताए करे चौथ माता से विनती, पति को हर संकट से बचा रखा द्रौपदी ने भी व्रत को,
करवा चौथ का रही बताएं, पांडवों के लिए उन्होंने पूजा मात चौथ को जाय माता, करवा चौथ बनी तब पांडवों की सदा सहाय, सत्यवान के प्राण निकाले जब यमराज ने तुम्हें बताया, तभी सती सावित्री ने की करवा चौथ की पूजा जाय, उन्होंने पति की लंबी आयु का लीना मैया से बर पाय, उन्होंने पति की लंबी आयु का। प्राण छुड़ाए करवा चौथ की बड़ी है महिमा, आदिकाल से पूजा जाए करवा चौथ की व्रत कथा हम श्रोताओं को रही सुनाए। बहुत समय पहले की बात है, था एक साहूकार बता जिसके सात पुत्र थे भक्तों, एक पुत्री थी बतलाए, सातों भाई अपनी बहन को प्यार से खूब रखा, एक अच्छे परिवार में जिसकी शादी उन्होंने दई करा। एक बार की बात बताएं, करवा चौथ गई थी आ, एक बार की बात बताएं। चौथ व्रत लिया रखा, रही जो दिन भर भूखी प्यासी, शाम ढल गई फिर तो हाय, उस बहना के सातों भैया भोजन करने बैठे आए, नजर पड़ी अपनी बहना पर भूख से जो व्याकुल दिखलाए, अपनी प्यारी देख बहन को तरस गया, भाइयों को आए बोले बहना भोजन कर लो, भूख प्यास तुम ले ओ बुझाए, बोली बहना नाना भैया व्रत मेरा खंडित हो जाए, जब तक चांद निकल नहीं आता भैया हम भोजन ना खाए, जब तक चांद निकल नहीं आता। चांद को अर्घ लगा, देख हाल अपनी बहना का, भैया तरस गए थे खा, ऐसे तो मेरी प्यारी बहना भूखी प्यासी मर ना जा, बहन हमारी भोजन खा ले, करना होगा कोई उपाय, सोच समझ कर उसका भैया पहुंचा पहाड़ी पर वो जा, वहां एक छलनी की रोट में रख दी नायक दिया जला, फिर आकर बोला बहना से बहना तुम देखो तो आज चांद निकल आया अंबर में, जल्दी तुम लो अर्घ लगा, चांद निकल आया अंबर में। बहन को दिया दिखा, बहन खुशी से दौड़ी दौड़ी गई भाभियों के ढिग आए, भाभी चांद निकल आया है, चलो से हम अर्घ लगाए, बोली भाभियां ए चांद तो निकला तुम्हारे लिए बताए, बोली भाभियां चांद हमारा निकलेगा कुछ देर में आ, तुम्हें अर्घ दे दो जा करके, फिर लो अपना
भोजन पर जब बहना भोजन पर बैठी नकली चांद को अर्घ्य लगा पहला निवाला तोड़ा उसने उसको छीक गई थी और पहला निवाला तोड़ा उसने ससुराल को जाए भोजन ना कर पाया उसने करी तैयारी उसने जा जब उसकी माँ ने बक्से से उसके वस्त्र निकाले जा निकले वस्त्र सफेद बक्से से दूजा बक्सा खोला जा उसमें निकले काले कपड़े भैया देख गया घबराए बुरे आप सगुन होने लगे होने लागे बुरे अब सगुन होने लागे बोली बेटी माँ से आए मैया मैं ऐसे ही जा रही देर हो रही मुझे बताए बोली मैया जाओ बेटी बस इतना तुमको सबको देना शीश नवाज सदा सुहागन हो जाने का जहां आशीष तुम्हें मिल जाए वहीं पे बेटी तुम पल्लू में गांठ बांध लेना समझा चल दीनी ससुराल में बेटी चरण सभी के छूती जाए पीहर में खुश रहना बेटी खुश रहना ससुराल में जाए सबके भांति भांति के उसको मिले थे आशीर्वाद बताए सबके भांति भांति के उसको सबके भांति भांति के उसको मिले थे आशीर्वाद बताए पहुंची जब ससुराल के द्वारे ननंद खेलती गई दिखलाए पांव छू लिए छोटी ननंद के मिल गई ये आशीष दुआ तुम सौभाग्यवती रहो भाभी सुन के गई बहुत हर्षाए गांठ बांध ली नी पल्लू में फिर वो घर में घुस गई जा देख नजारा अपने घर का फटा कले जा उसका हाल लाश पड़ी पति की अंगना में बिलख बिलख रोई चिल्ला परवारी जन लेके लाश को जब मर घट को रहित जा नहीं उठाने दिया लाश को परवारी जन उसे मना नहीं उठाने दिया लाश को सबको पहुंच गए मर घट में जाए साहूकार की बेटी पति के पीछे पीछे पहुंचे जा नहीं जलाने दिया लाश को सबको घर दीना लौटा रहने लगी वही मर घट में पति की सेवा करती जा साफ सफाई रखे पति की बैठे सर को गोद उठाए अपने पति का मुखड़ा देखती रहती निस दिन तुम्हें बताए घर वालों ने उसकी खातिर वही झोपड़ी दही छपा शाम सवेरे खाना लाती उसकी छोटी ननद बताए शाम सवेरे खाना लाती
चौथ को, चौथ मात का व्रत रखा। ज्योति देखती थी वो चांद की, देती उसको अर्घ्य लगा। हर महीने चौथ माता देती उसको दरस दिखा। कहती कर बोले कर बोले, ऐसा कहती हुई चलिया। भाइयों की प्यारी घड़ी बुखारी, कर बोले कर बोले कह जा। कहती मुझसे बड़ी चौथ माँ, तेरे संकट हरे गया। क्वार मास की चौथ आई तो उसने ये दीना समझा। तुमसे रुष्ट हुई है भारी, कार्तिक मासिक चौथ बता। तुमसे रुष्ट हुई है भारी। पति के प्राण देंगी लौटा। आओ करवा चौथ ननन से, सब सिंगार लिए मंगवा। रही व्रत वो करवा चौथ का, प्रकट हो गई मैया। आए पांव पकड़ ली ने मैया के, करी प्रार्थना शीश नवा। हे मैया तुम मेरे पति के, अब तो प्राण देओ लौटा। प्राण हर लिए रही बता। बोली साहूकार की बेटी, करनी पे में रही पछता। बोली साहूकार की बेटी। छीटा मारा जा, पति हो गया जीवित उसका। आज भक्त ली गई हर सा। जाते जाते उस माता ने लात मड़ी में दही छुबा। उस झोपड़ी की जगह पर ऊंचे महल गए ठड़ा। उसी झोपड़ी की जगह पर दिया बता। तभी वो बोली अपनी ननद से, कहना सासू माँ से जा। गाजे बाजे के साथ में अब ले जाए हमें लिबा। मैया की कृपा से उसको सारे सुख मिल गए बता। करे चौथ माता से प्रार्थना, रखना सब पे कृपा बना। साहूकार की बेटी के संग किया था जो पहले बदला। वैसा किसी के साथ न करना, किया बाद में वो कर जाए। लिखा रमेश भैया ने आला, संजो बघेल ने दिया सुना। करवा चौथ माता की कथा सुना, करवा चौथ माता की कथा सुना। करवा चौथ का दिल
जोड़ी बनाई ईश्वर ने, सातों जन्म का है नाता, साथ निभाए हर पल जो मेरा, वो मेरे भाग्य बिधाता, सेवा में जीवन गुजारूं, भूले से भी कभी मुझसे हो की मेहंदी रचाई, तेरी प्रीत की चूनर ओढ़ी,
साजना। करवा चौथ का दिन आया है, चंदा अंबर पे छाया है, सज धज के अपनी सजनी का रूप सवरिया को भाया है। जन्म तुझे पाऊं, जब जब धरती पे आऊं तेरी ही दुल्हन बन जाऊं, तेरी ही धुन में गाऊं, मैं साथ जन्म तुझे पाऊं, जब जब धरती पे आऊं तेरी ही दुल्हन बन जाऊं। ओ मेरे साजना, तुझको दुआए मांगे कंगना मेरे साजना, मेरे हाथों में संग मेहंदी के रंग तेरा सजता, चांद जो देखूं छलन के पीछे चेहरा तेरा दिखता। मेरे साजना मेरी उम्र भी लग जाए, तुझको दुआए मांगे कंगना मेरे साजना।
कर पति की लंबी आयु पाऊं। करवा चौथ का व्रत कर पति की लंबी आयु
सजन का कभी न छूटे। साथ सजन का कभी न छूटे। सुख